हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की वूल ली है। आप इसको पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, ये एकदम अलग तरह से बनके कंप्लीट होगा। अगर आप साड़ी चुन्नी से बनाएंगे तो आप डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लुक देगा बनने के बाद। और देखिए, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट भी आपका यहाँ से पता नहीं चल रहा कहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसे बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हमने इसको 30 फंदे से बनाया है और तीन कलर लिए हैं। हम यहाँ पे ये कलर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेड से पहले फंदे डालेंगे। आप जिस कलर से भी स्टार्ट करना चाहें, यहाँ पे देखिए हमने ये पिंक कलर से फंदे डाले थे, पिंक और फिरोजी से, दो कलर से फंदे डालने हैं आपको इसमें। तो देखिए, यहाँ पे हम 20 फंदे लेंगे रेड कलर से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इस तरह से हम ले लेते हैं फंदे। ये देखिए, यहाँ पे टोटल 30 फंदे हमने ले लिए हैं। फंदे आपके ऐसे ही होने चाहिए, यहाँ पे आपके अगर 10 हैं तो यहाँ पे आपके 20 होने चाहिए। तो इस तरह से आपको फंदे लेने हैं। अगर आप 24 फंदे का बनाएंगे तो आप यहाँ पे 8 लेंगे और यहाँ पे 16 लेंगे। तो आप जो भी फंदे डालेंगे, यहाँ के फंदे दुगने होने चाहिए, बस आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनके, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, यहाँ से हम इसमें तीसरा कलर ऐड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो फंदे हम ग्रीन वाले क्रीम कलर से बुन लेंगे। उसके बाद देखिए, हम ये ग्रीन वाला कलर ऐड करेंगे जो यहाँ पे है, इसी को। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ फंदे हमने बुने। अब देखिए, दो हम इसमें रेड वाले में से ग्रीन से बुन लेंगे, दो। उसके बाद हम इसको इधर करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको टाइट करके बुनेंगे ताकि यहाँ पे कोई होल ना हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, 16 फंदे बुने। दो हमने बिना बुने छोड़ दिए और हम यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इधर की रो जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, ऐसे इस साइड से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है लास्ट तक। जो जिस कलर से है उसी कलर से आपको ये बुनते जाना है, ऐसे। ये देखिए, बिल्कुल ही नए तरीके से ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, यहां से हम ग्रीन को हमने इधर करके और ग्रीन वाले ग्रीन से बुनेंगे और दो फंदे लास्ट में जो क्रीम कलर के हैं उनको हम क्रीम कलर से बुनेंगे। अब सीधी रो हमें सारी ऐसे ही बुननी है। ये देखिए, सीधे तरफ से इसको हमने इधर से बना लिया। अब इस साइड से हम इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे ताकि आपका ये यहाँ पे ये डिजाइन एकदम से अच्छा सा आ जाए, चैन आ जाए। और ये देखिए, इसको हमने उतारा, वूल अपने तरफ किया। इस तरह की चैन तभी आएगी जब आप एक तरफ से बुनेंगे, एक तरफ से उतारेंगे। ये देखिए, दो हम फिर से इसमें से बना लेंगे ग्रीन में से, तो चार हमारे पास ये क्रीम कलर के आ गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, अब हम दो रेड में से बुन लेंगे, नौ और दस। दस बनाने के बाद हम देखिए यहाँ से रेड कलर से बुनेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। बारह हमने बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए। तो यहाँ पे देखिए, दो रो में चार फंदे
छूट गए। अब हम इधर की रो कंप्लीट कर लेते हैं जो जैसा है, फिर दिखाते हैं। ये देखिए सीधे तरफ से रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब हम उल्टे तरफ से देखिए फिर से एक फंदा उतार लेंगे और दो तीन चार, अब दो हम ग्रीन में से बुन लेंगे तो छह हमारे पास ये हो जाएंगे। यहाँ से हम ग्रीन से बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दो हमने रेड में से बना लिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो हमने फिर से छोड़ दिए और यहीं से हम पलट जाएंगे और इधर से जो जैसा है उसको लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए सीधे तरफ से हमने बना लिया, उल्टे तरफ आ जाते हैं तो यहाँ से हम फिर से एक फंदा उतार लेंगे, भूल को अपने तरफ कर लेंगे। उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ और दो हम ग्रीन में से बना लेंगे, सात और आठ। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हम दो रेड में से बना लेंगे, एक और दो। देखिए अब यहाँ पर हम देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे बुन लिए, दो हमने बिना बुने छोड़ दिए और यहीं से हम पलट के ये रो कंप्लीट करते हैं, लास्ट तक बना लेंगे जो जिस कलर से है। ये देखिए सीधे तरफ से रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए ये वाली कली का हम कलर चेंज कर देंगे, तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये देखिए एक उतार लिया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और दो हम इसमें से बना लेंगे, आठ नौ दस। ये देखिए दस फंदे ये हो गए हमारे पास इस रो में। अब देखिए यहाँ पे ये चार फंदे जब रह जाते हैं तब आपको यहाँ से ये दूसरी कली स्टार्ट करनी है। जो भी आप कलर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो में 20 फंदे रेड लिए थे, 10 फंदे ग्रीन, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 10 फंदे तो क्रीम के बन गए और देखिए अब यहाँ से हम एक ग्रीन कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अब देखिए जो चार जो रह गए थे इनको भी हमने बुन लिया और लास्ट के जो फंदे छूटे हुए हैं उनको भी हम बुन लेंगे, एक दो तीन चार, चार दूनी आठ, आठ फंदे छूटे थे उनको भी हम बना लेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट रो की तरह अब मेरे पास फिर से फंदे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए 20 फंदे मेरे पास ग्रीन हो गए, देखिए इस तरह से, देखिए जैसे हमने फंदे, ये आप देख लीजिए जैसे हमने फंदे डाले थे ठीक वैसे ही फंदे फिर आ गए। हम फर्स्ट रो फिर से रिपीट करेंगे। अब इधर की हम रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से सेम इसी तरीके से ये दूसरी कली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम ये वाला कलर लाएंगे, रेड वाला, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे ये क्रीम लगाया था तो हमारी ये रेड की कली आ जाएगी, ग्रीन की आ जाएगी, फिर क्रीम की आ जाएगी, फिर रेड की आ जाएगी। तो ऐसे ही आप जितने मर्जी कलर लगा सकते हैं। तो देखिए इसको हमें इतना लूज छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप जब करेंगे जब ये वाले फंदे आपके 20 हो जाएंगे और यहाँ पे ये क्रीम के 10 हो जाएंगे जो भी कलर ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कली का कलर फिर से चेंज कर देना है। ये देखिए दो फंदे हमने बुन लिए रेड से। अब देखिए एक दो, और देखिए इसको धागे को हम ऐसे कर देंगे ताकि ये लंबा ना रहे पीछे साइड, चार पाँच छ सात आठ। अब देखिए दो फंदे हम इसमें से बना लेंगे, ग्रीन में से क्रीम कलर से। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह,
अब देखिए 16 फंदे हमने बुन लिए, दो बिना बुने छोड़ दिए। अब हम यहीं से पलट जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और देखिए ऐसे। ये रो हम जो जैसा है उसको वैसे ही कंप्लीट करेंगे, और देखिए इसी को रिपीट करते हुए हमने ये पूरा किया है। तो ये देखिए यहाँ से एक कली स्टार्ट हो गई, दूसरी ये कंप्लीट हो जाएगी जब ये पूरी होगी, और तीसरी यहाँ से रेड से स्टार्ट हो गई। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया, और आप देख सकते हैं जिस कली से हमने यहाँ पे फंदे लिए थे, 20 फंदे हमने लिए थे पिंक कलर से, तो ये यहाँ वाली कली जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए। 20 फंदे आपके सेम इस कलर के होने चाहिए, 10 फंदे इस कलर के होने चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में डाले हैं। तो देखिए हमारे ये 20 फंदे ये आ गए और 10 फंदे ये आ गए, यहाँ पे इस तरह से कली आनी चाहिए, तब आपका ये बिल्कुल एकदम से क्लियर आ जाएगा। ये देखिए जुड़ के पता नहीं चलेगा कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पे इसका एंड किया। तो यहाँ से अब हम इन फंदों को करेंगे बंद, तो जो जिस कलर से फंदे हैं उसी कलर से हम इनको क्लोज कर देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, सारे फंदे हम इसी तरह से बंद करते जाएंगे। ये जो लास्ट का फंदा इसका बचेगा उसको हमें इस कलर से बंद करना है, क्योंकि आगे के फंदे हमें ये पिंक कलर से बंद करने हैं, नहीं तो फिरोजी कलर आगे आ जाएगा। जो भी आपने कलर लगाए हैं उसी से इसी तरह से बंद कर लें, सारे फंदे हम लास्ट तक बंद कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर दिए। अब हम इस बुल को ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पे ये फंदा लास्ट का लॉक हो जाएगा। अब हम करेंगे इसकी सिलाई, तो देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया, और हम यहीं से इसकी सिलाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी बुल अभी इधर ही है। आप चाहें तो यहाँ से अलग से बुल लगा के इसको सिल सकती हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको सिलते हुए जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए इसको हमें यहाँ तक लाना है, देखिए ये अपने आप आ जाएगा, आप इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल दिया, यहाँ पे हम इतना फिरोजी कलर से बंद करेंगे।